स्कूल की इमारत खस्ता हाल, खतरे में नौनिहालों की जान। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही देखने को मिला। ऐसे पड़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झज्जर के गांव मारौथ में बच्चों को मौत के साय में रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मौत के साए में पढ़ने को मजबूर बच्चे, पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं बच्चे। कभी भी हो सकती है कोई भी अनहोनी। ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। झज्जर के गांव मारौथ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मारौथ गांव की इस बिल्डिंग को देखिए। इस स्कूल की जर्जर हालत वाकई डरा रही है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं, इस स्कूल की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। स्कूल की इस तस्वीर को देखिए, आपको भी देखकर बस यही लगेगा कि खतरा खतरा और खतरा। सर, ये बिल्डिंग है ये बिल्कुल एक मतलब डैमेज हो चुकी है, मतलब इससे जो बच्चे आते हैं उन्हें भी खतरा है। बारिश के टाइम में है ना, ये मतलब जड़ती है और इससे टुकड़े मतलब होते हैं, वह टूट टूट के गिरते हैं, तो इससे बच्चों को खतरा है। इसलिए हमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रगतिया खुलवाया जाए या फिर इसे बनवाया जाए। इन दीवारों पर भी साफ तौर पर लिखा है कि कृपया पुरानी बिल्डिंग में ना जाए, वहाँ खतरा है। इमारत एकदम खंडहर हालत में है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्कूल में आने वाले बच्चे कमरों से बाहर पेड़ों के नीचे बैठने को मजबूर हैं। सारे की तरह परेशानी जी अड़े, तीन कमरे हैं स्कूल में और बालक 110 हैं। बालक सही ढाल बैठ भी ना पाते क्लासों में। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें ये जो बिल्डिंग गिरने हो रही है, ये इनमें बालक भी ना आते जो ये बना रखी इनमें, या पानी की समस्या है। स्कूल की इमारत में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, छत भी टूटने की कगार पर है। हैरानी की बात तो ये है कि भले ही चिलचिलाती गर्मी हो या भयानक ठंड और भारी बारिश ही क्यों ना हो, ये बच्चे क्लासरूम के बाहर पेड़ों के नीचे बैठकर ही पढ़ते हैं। स्कूल की साइंस लैब और कंप्यूटर लैब भी जर्जर अवस्था में है। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि बिल्डिंग में हालात इतने खराब हैं कि बच्चों की सही से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। हमारे स्कूल के इधर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बिल्डिंग डैमेज है और कम से कम 2 साल से ऊपर हो गए हमें बार बार ये करते हुए कि हमारी बिल्डिंग डैमेज है, इसको बनवा दो। सरकार की तरफ से हमें खाली आश्वासन मिल रहा है सर, कुछ नहीं बन रहा। अच्छा, बच्चों को परेशानी होती है, अब गर्मी है, गर्मी में या बाहर बैठते हैं। तीन कमरे हैं, तीन कमरों में 4 क्लास कैसे आएंगे। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने कई बार उच्च अधिकारियों को इस मामले की शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए टैबलेट बांटने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इमारत ही जर्जर हालत में सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। हर खबर के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। खाकी पर हमला,